हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर आपको भी आपके अकाउंट को क्रिएट करते वक्त यह प्रॉब्लम आ रही है या फिर पासवर्ड चेंज करते वक्त लिखा आ रहा है यूज़ द एरर एरोज टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, इस कैप्चर को क्लियर करा जाए आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना होता है और इसको रोटेट करना होता है और इसको उस तरफ रोटेट करना होता है जिस तरफ आप हमारा हैंड है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना पड़ता है और इसको यहाँ पे कंप्लीट करना मतलब जब दोनों एक साथ होंगे एक डायरेक्शन में होंगे तो आपको क्या करना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, 2 दिन बाद ये सेम स्टेप पूछते हैं हमसे कि बताओ हमें कि क्या रुक साइड है, तो आपको 2-3 बार भी कर देना है पर फिर भी ये कंटिन्यूस लूप चल रहा है अगर आपके अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ में मतलब लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको लगता है कि आप कोई हैकर हो या फिर कोई बोट हो, तो ये प्रॉब्लम तब आती है। तो आपको अपने जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें ये इसको यूज़ करके देखना है और आपको सारी परमिशन इनेबल करनी है अपने ब्राउज़र की, उसको अपडेट करना है और फिर ट्राई कीजिएगा डेस्कटॉप मोड में अपने मोबाइल में इसको अपने सबमिट करने की कोशिश करनी है, कैप्चा को क्लियर करने की कोशिश करनी है। आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बस अगर 2-3 बार कभी कभी लगातार भी पूछ लेते हो कैप्चा, अगर आपने एक बार गलत भरा हो तो आपको भर देना, लगातार सबमिट कर देना, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी और इस मेथड से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल 0 to Infinity को सब्सक्राइब करें ऐसी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।